हे व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग गाइस। डे 3 इन छत्तीसगढ़। अभी सुबह के 7 बज रहे तो इतनी ठंड है, फट रही है। तो अभी टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। रात को तकरीबन 14-15 के आसपास चला गया था। हमारा एक्चुअली प्लान आज सुबह का सनराइज देखने का था। कहाँ पे बताता हूँ, वो सामने से पानी का जो मूव है, हमारा प्लान था हम वहाँ पे सवेरे जाएंगे और यहाँ से वाटरफॉल कैप्चर करेंगे और हम लोग अपना मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग स्पेंड करेंगे वहाँ से। जैसे हम लोग उतरे थे ना बोटिंग के लिए, वही रास्ते से उतरे के ऐसे आएंगे हम लोग और यहाँ पे रुकेंगे। हम दोनों में से कोई भी उठ नहीं पाया सुबह। कल का रात हम लोग पूरा सोके निकाले, पूरा बॉडी को रेस्ट मिल गया है। लाइक हम लोग कल 11 बजे सो गए थे और हम लोग सुबह उठे 6 बजे। मैं उठा 6 बजे, ऋतिक अभी भी थोड़ा सो रहा है, उसका नींद अभी भी हुआ नहीं। प्लान ये था कि यहाँ पे सनराइज़ देखने के बाद हम आज तीरथगढ़ का वाटरफॉल करेंगे जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। देखते हैं अभी क्या करना है। वो वाटरफॉल को जाने के लिए जगदलपुर होके जाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली इधर से जा नहीं सकते। लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे प्लान। द पीस हियर इज अमेजिंग। लाइक सुबह सुबह उठ के ये सीन के साथ तुम बैठो और लेस खाओ, फीलिंग अलग ही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बर्ड्स का चर्पिंग है और वाटरफॉल का दूर से आवाज़ आ रहा है, फील्स गुड, फील्स पॉजिटिव। प्लीज डू मेक श्योर दैट यू कम ओवर हियर, इट इज़ अ थ्रिल टू एक्सपीरियंस दिस। चलो अभी फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे का प्लान बताएंगे। आज इधर से चेकआउट करना है या इधर एक और दिन स्टे करना है, जो भी है बताते हैं। बाय। फ्यू मोमेंट्स लेटर। हे गाइस, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे। अभी हम लोग रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में आए लंच करने। लंच करके हमारा प्लान है, अब सुबह जो आपको दिखाते हैं ना रूम के सामने वाला एरिया जहाँ पे पत्थरों के बीच में से नदी बह रही है, हमारा प्लान है अभी वहाँ जाने का। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि वहाँ पे बहुत मस्ती करने मिलेगा, कोई होगा नहीं तो बहुत धमाल करेंगे। आपको बोले थे कि हम यहाँ का रिसेप्शन और सब दिखाएंगे, तो ये उनका पूरा रिसेप्शन और रेस्टोरेंट कम्बाइंड है। ये उसके बाहर का, ये पूरा वो उनका रो हाउसेस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हमारा रो हाउस वहाँ पे वो कॉर्नर में, ये पूरा उनका गार्डन है। बहुत बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा एरिया। ये पूरा उनका सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे रिसेप्शन, वहाँ पे किचन। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ लाइक सीरियसली ब्यूटीफुल। जगह बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ये साइड से निकलेंगे तो सी वो जगह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं वो इनका है या किसी और का है। और जस्ट ये जो आप देख रहे हो, इसी के पीछे वो नदी बह रही है और वो कॉर्नर में वाटरफॉल है। ये रेडियस के आसपास तो ये एक ही रिसॉर्ट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इस रिसॉर्ट को, तो बहुत अच्छा रिसॉर्ट है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, स्टे कीजिए, एटलीस्ट एक दिन के लिए तो कीजिए और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल है, आप तो देख ही रहे हो। तो और भी बहुत सारा मस्ती करना आज बाकी है, पहले लंच करेंगे फिर मस्ती करेंगे। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ का खाना बहुत 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 टेस्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्पाइसी बनाते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा बना देंगे, बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हाट एल्स, नथिंग मच। मिलते हैं अभी नीचे पत्थरों के बीच और पानी के बीच, थोड़ा मस्ती करेंगे, खेलेंगे और वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बाय। हे गाइस, अभी बज रहे 5:00। हम लोग लंच करके आए हैं यहाँ पे, तो हमारा अभी प्लान ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं फिलहाल क्योंकि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही हैवी लंच किया है। वाटरफॉल के बैंक्स के पास जाके थोड़ा चिल मारेंगे, नीचे के साइड नहीं जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कैमरा इसलिए ऑन किया है क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पता चला। ये बोर्ड मैंने अभी नोटिस किया, ये बोर्ड में ये लिखा है देखो, श्री राम वन गमन मार्ग शिव मंदिर। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तो वो यहीं से होके गए थे वनवास के टाइम, तो ये मंदिर का कुछ उस चीज़ के साथ कुछ रेजेम्बलेंस है शायद। मेरे को इतना डिटेल में नहीं समझ रहा, मुझे किसी लोकल से बात करके पता करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऋतिक उसी चीज़ के लिए गए। भाई कुछ पता चला? नहीं, ऋतिक को भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ रिटन ऑन दैट, उसका मतलब तो यही है। इट इज़ प्रीटी हिस्टोरिक एंड इट इज़ रियली फैसिनेटिंग टू बी एट सच काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर
ब्यूटी इज देयर ऑफ द नेचर, द ब्यूटी ऑफ द नेचर इज देयर एंड द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज हियर, सो इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, जस्ट लुक एट इट, क्या सही लग रहा है। तुम लोगों को मैंने ऋतिक भाई के बारे में कभी बताया नहीं ना, ऋतिक भाई मेरे ज़िंदगी में उन कुछ गिने चुने लोगों में से है जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशल है। इसलिए नहीं कि बिकॉज हम दोनों फुटबॉल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए बिकॉज वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत शांत और बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर का है, सही गलत की उसको सही पहचान है। वो बोलते ना उठ सूट हरकतें नहीं करता है, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है। उसके साथ बहुत कुछ हुआ है उसके लाइफ में, मतलब उसका लाइफ भी ट्रेजेडी से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है जैसा हर किसी का होता है, लेकिन उस फेज को उसने बहुत स्ट्रेंथ और बहुत करेज के साथ ओवरकम किया है। तो हर एक सीन के साथ, तू रिकॉर्ड हो रहा है तो हर एक सीन के साथ जैसे जैसे उसके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड बढ़ा और जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे, मुझे तो नहीं पता कि मेरा उसके लाइफ में क्या प्लेस है, लेकिन ये उसको मैंने बहुत बार बताया कि भाई वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋतिक भाई आपका क्या सोच है? ये सब मजाक था। आप लोगों को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? सही बोलो, लगा मैं इसकी उड़ाता बहुत हूँ, थके इसलिए उड़ाता हूँ, बढ़ाऊ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज जेम ऑफ अ गाय यार, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो बात करते करते बहुत सारा रास्ता कवर हो गया, पीछे देखे रहोगे, नहीं देखे रहोगे तो ये वाला सीन देखो, यहाँ पे भगवानों का मूर्ति है और ये इंद्रावती नदी है। दिस इज ऑसम, दिस इज जस्ट ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल। तो ये वाटरफॉल का वो स्टेज है जहाँ से वो ढुस करके गिर रहा है और फिर नदी कंटिन्यू हो रहा है, और ये वो नदी का रास्ता मेरे हिसाब से उस तरफ से आ रही है, ऐसे 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 करके आ रही है। इट्स ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? चलो पानी देख लो कितना साफ है, मतलब इट्स जस्ट क्लीन। वहाँ पे अंदर एक लाल कपड़ा पड़ा है वो तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा हूँ पता है, लेकिन क्या ही बोलूँ अभी, बहुत क्लीन वाटर है यार, बहुत सही है। भाई एक काम करना, मेरा मोबाइल थी वो पाउच में रख दे, मेरी फट रही है, अगर गलती से गिरा लाइफ टाइम के लिए गया। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी अगर तुम ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, कोई ऐसे एडवेंचरस जगह पे आते हो, तो वो जो करतब करते ना लोग कि चल उधर बीच वाले पत्थर पे जाते ऐसे जाते वैसे जाते, ऐसे सब जगह पे नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि तुम जा चले मतलब तुम्हें तो लगेगा अरे इतना सही तो पानी है, नी तक पानी है, चले जाऊँगा, वो जो पानी का करंट तुम्हें उड़ाएगा ना, उड़ाने के बाद सीधे तुम जाओगे नीचे और नीचे से जाओगे ऊपर, तो ये सब रिस्क नहीं करना। घर पे तुम्हारे कोई रहता है हमेशा जो तुम्हारा वेट करता है। इधर से हम लोग यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं, ये देखो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम एटमोसफियर में है, ये थ्रिलिंग है, ये एडवेंचर काफ़ी है। अब अगर मैं बोलूँगा कि इधर से मुझे कूद के उधर तक जाना है, भाई ये स्टूपिडिटी है, ये एडवेंचर नहीं है। तो प्लीज़ कम इन टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर, लेट्स एन्जॉय दिस, आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ। सनसेट एट दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल राइट, कितना सुंदर है सनसेट इधर से।
हाथ बज्रो ध्वजा विराजे गाने मुझे जनेऊ साजे सुंदर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को the view, the scenery, the sunset and the song just completes everything. तो हे गाइस आफ्टर अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड अ ब्यूटीफुल सनसेट हम लोग अभी होटल की तरफ जा रहे हैं उस तरफ और सुबह का प्लान हम लोग सोच रहे हैं कि जो नदी के किनारे जो पत्थर वाला जो एरिया है जो हमारे रूम से दिखता है उस एरिया में कल सुबह जाएंगे तो सनराइज़ वहीं पे देखेंगे और हम बस सिक्योरिटी को पूछ रहे थे कि वहाँ पे जाने पे कोई दिक्कत वगैरह तो कोई नहीं है जंगल एरिया है कोई टेंशन नहीं रहेगा ना ही वॉज लाइक कि नहीं इट्स ऑल कूल आप लोग बिंदास जा सकते हैं और बस पानी में नहीं उतरना है तो हमने बोला हम लोग वैसे ही पानी में उतरेंगे पानी की तरफ जाएंगे नहीं हम लोग से पत्थर वाले एरिया की तरफ जाएंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस आ जाएंगे सो दिस इज़ आर प्लान फॉर टुमारो मॉर्निंग अभी हम लोग रूम में जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे डिनर करके बस थोड़ी देर बैठ के आपस में बातें करेंगे टाइम पास करेंगे और आसमान जो साफ़ है सब तारे दिख रहे ये जो एनवायरनमेंट है द एवरी The complete environment in this place, it's just beautiful. I can't explain and मैं अपने बातों से नहीं बता सकता कि यहाँ पे आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है हर एक चीज़ हर एक छोटी छोटी चीज़ कितनी अच्छी लग रही है मुझे I just don't have words to say. So I hope you guys are enjoying this. अगर मज़ा आ रहा है तो please like करो share करो subscribe करो Target है 500 subscribers का मेरा इस साल अगर उससे ज़्यादा हो गया तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है लेकिन 500 तो मिनिमम है तो प्लीज़ डेफ़िनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है अगर कुछ और इम्प्रूव कर रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ शेयर करो और बस मज़े करो यार घूमो फिरो एंड एन्जॉय योर लाइफ टू योर फुलेस्ट ठीक है बाय बूम